एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी से 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच एबी पैरेलल टू डीसी, एबी डीसी के पैरेलल है, ये हमने पहले ही फिगर बना के रख लिया। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, अब आपको प्रूव करना है एओ अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, समझ आया? करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे बेटा, गिवन में एबीसीडी हमें क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम, वो ट्रेपेजियम है इसीलिए इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड एक कोई भी पेयर पैरेलल होगी। अच्छा क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा इसमें कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है। आपको अगर एक ट्रेपेजियम मिलता है तो आप इसको याद कर लीजिए, बैठ जाए बैठ जाए। तो हमें प्रूव करना है ए अपॉन बी ओ, कोई बात नहीं थोड़ी रिजल्ट बिगड़ गई, मैं कुछ कह रहा था ये रिजल्ट जो है ना रिजल्ट स्टैंडर्ड है, याद कर लीजिए इसे आप। जब भी आपको ट्रेपेजियम मिले और डायगोनल्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो बच्चों आपको इस रिजल्ट को थोड़ा सा याद करने से फायदा ये मिलेगा, एक आगे जाके क्वेश्चन आएगा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसमें आपको आसानी हो जाएगी, और स्टैंडर्ड रिजल्ट है आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। हाँ अगर ज्यादा मार्क्स का आ रहा है तो आप प्रूफ करके भी दिखाएंगे वहां पे, वो मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या है, प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं है, सही है। देखिए साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड, भाई सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है सीपीएसटी से। आप पकड़ लीजिए इन ट्राइंगल एओबी और सीओडी, इसमें मैं देख पा रहा हूं अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट से इक्वल होगा, और एक मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं वर्टिकल अपोजिट एंगल, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, और अगर सिमिलर होंगे तो फ्रॉम सीपीएसटी या बाय सीपीएसटी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इनकी साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, बस खत्म हो गया, सिंपल है। अब इसमें आप कहें कि सर बीपीटी लगाइए तो सर यहां से एक लाइन पैरेलल डालनी पड़ेगी आपको, कंस्ट्रक्शन में लेंथी जाएगा, होस्ट से भी जाएगा लेकिन लेंथी जाएगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा आप इससे करें, और ऐसा कहीं पे भी एग्जाम में लिख के नहीं आता कि ये क्वेश्चन 6.2 से या 6.3 से आपको बीपीटी लगानी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है सर, फॉर्मूला सही होना चाहिए, गेट में लगाना, चले जाओ। आपको ट्राइंगल्स को मेंशन करना होगा, ट्राइंगल मेंशन करने के लिए मैंने कौन सा बताया, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। बेटा इसमें मैंने आपको क्या क्या एंगल बताए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी वर्टिकली, देयरफोर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल बाय एंगल एंगल, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी ट्रिपल ए होता है, ट्रिपल ए की कोरोलरी क्या है, डबल ए, डबल ए लग रही है तो ट्रिपल ए पे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रिपल ए भी लग रहा है ये एंगल ऑल्टरनेट से लेकिन जरूरत ही नहीं है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सर इनकी साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, पकड़ लो ए ओ को, देखो ए ओ तो यहां से क्या आएगा सी ओ, और यहां से अगर मैंने बी ओ लिया तो क्या आएगा डी ओ। आप सबको बताइए कैसे, अगर यहां से फर्स्ट टू उठाए हमने एओ तो यहां से भी पहले दो ही लेने पड़ेंगे, यहां से हमने सेकंड और थर्ड लिया तो यहां से भी सेकंड और थर्ड लेंगे। बेटा सीपी एसटी, सीटी मत लिखाना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सीपीसीटी होता था नाइन्थ में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब क्या सर रिजल्ट आ गया, अभी नहीं आया सर, वो तो एओ अपॉन बीओ मांग रहा है, तो एओ अपॉन सीओ है, आप बीओ को नीचे ले आइए सीओ को ऊपर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो फाइनली वी विल गेट एओ अपॉन बीओ
इज इक्वल टू सी यू अपॉन डी यू। सबको समझ में आ गया? हेंस टू नाइन्थ वाला कदम हो गया, नोट कर लें। हाँ क्या दे रखा है अंशिका? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। प्रूफ करना है ट्रेपेजियम। दिव्यांशु कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? नो सर। नहीं, बहुत गड़बड़ में आ गया। ABCD क्या लाना है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए एक ही चीज प्रूफ करनी होती है, ओनली वन फेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल। सर ये दो लाइन हुआ करती थी नाइन्थ में, और ये ट्रांसवर्सल, अगर इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते थे तो लाइंस आर पैरेलल, मुझे एंगल्स इक्वल करने होते थे। अब अगर मैं कैसे भी करके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये भी तो ऑल्टरनेट ही बन रहा है ना। यस सर। लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये एंगल इसके तभी इक्वल होगा जब ये दोनों एंगल, सॉरी दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर। देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, बच्चों इसमें हमें एक चीज दे रखी है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन, कहां से आया? लेकिन रुकिए, क्योंकि ये गलत दे रखी है हमें, ये तो दे रखी है गिवन, तो मैंने नोट कर लिया, लेकिन सर अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में लगा रहे हैं तो साइड्स के रेशियो शुड बी AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, राइट? क्योंकि भैया एक ट्राइंगल की ये साइड लेंगे तो दूसरे ट्राइंगल की तो लोगे आप साइड। इसमें यहां देखना AO अपॉन BO, AO भी इसी ट्राइंगल की ले लिए और BO भी इसी की, तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से CO को तो नीचे ले आना चाहिए और BO को ऊपर, BO ऊपर चला गया CO नीचे आ गया, सिर्फ एक साइड को डायगोनल वाले को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब बेटा सही है, AO अपॉन CO BO अपॉन D एंड एंगल AOB और COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं और बीच में एक एंगल मिल रहा है, देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल कैसे? SAS सिमिलैरिटी। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी कैसे? सी पी एस टी। और अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं, दिखने में कैसे हैं? क्या लिखेंगे? बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। और अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आगे लिख लेना, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम।